Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. मौसम का जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है वैसे ही गोरखपुर में राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है। सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता क्या सोच रही है ये कोई नहीं जानता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ मतदाता हैं, संभ्रांत प्रबुद्ध लोग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? अचला शाही। क्या माहौल चल रहा है गोरखपुर में चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। चुनावी जंग छिड़ी हुई है, दोनों पार्टी अपने अपने को प्रमोट कर रही है, लेकिन जीतेंगे तो योगी जी ही। दोनों पार्टी कौन सी? सपा, भाजपा, जो भी प्रत्याशी है, बसपा भी मैदान जी में। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग हैं। तो वोट किसके नाते मिलेगा, रवि किशन के नाते मिलेगा कि योगी जी के नाते? दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, वोट किसके नाते जाएगा ज्यादा? सबसे ज्यादा तो वोट हमारे योगी जी की वजह से। आप क्या करते हैं, गृहिणी हैं जी? तो क्या जो किचन चन की व्यवस्था वो ठीक चल रही है? महंगाई नहीं है कहीं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई उसी हिसाब से सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, तो उस हिसाब से मुझे नौकरी ही नहीं है। कहाँ सैलरी बढ़ी है? नौकरी देखने में नौकरी नहीं, रोजगार तो है। किस तरह का? बहुत सारी योजनाएं निकली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जो मैं खुद प्रशिक्षण ले चुकी हूं, तो रोज़गार बहुत है। अगर किसी को दिखता नहीं तो इसमें योगी जी चाहे मोदी की चाहे कोई भी रोज़गार उसमें गलती नहीं। आपका कहना है कि रोज़गार के अवसर काफ़ी अच्छे हैं, यदि कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो सरकार क्या करेगी? क्या नाम है? साधना पांडे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के माहौल पर? चुनाव हम लोग का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, और जैसे आपने पूछा है कि रोजगार खोजने से रोजगार मिलता है, घर बैठने से नहीं मिलता है। यो मोदी जी क्या क्या निकाले हैं महिलाओं के लिए, हर एक चीज़ कौशल विकास योजना के तहत निकाले हुए हैं। औरतें घर बैठ के भी काम कर सकती हैं, बाहर निकल के भी काम कर सकती हैं, हर एक चीज़ बनाए हुए हैं, लेकिन लोग करेंगे तब ना, खोजना पड़ता है। लोग कर नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, घर बैठ के थोड़े मिलता है, उसको करना पड़ता है तब मिलेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मीनू गुप्ता है, और जैसा कि आपने बोला कि रोजगार पैसा कम है, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी समाज बोल रहा है। सर नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने बहुत सी योजनाएं भी निकाली, आपके आधार पे भी आपको लोन मिलता है और भी चीजें, घर भी दिया है। भरेगा कहाँ से? सर जब वो पैसा मिल रहा है तो उसे कमाई के लिए ही ना मिल रहा है, और खाने के लिए तो मिल रहा है, रोजगार के लिए मिल रहा है तो उसे रोजगार करना चाहिए। अब ये तो नहीं है भारत सरकार आपको फ्री में खाने के लिए देगी, आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो कोई भी आपको खिला नहीं सकता। आपका कहना है कि रोजगार करना पड़ेगा खुद ही। क्या नाम है? हेमंत कुमार उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि जैसे खाली मुँह पे जो मस्का मारने वाला काम नहीं, असली बात है कि बेरोजगारी बहुत है, लाखों जो है सीटें हैं केंद्र सरकार के पास, खासकर रेलवे में 2 लाख सीटें खाली हैं, कोई भर्ती नहीं है। प्रदेश सरकार के पास लाखों सीटें खाली हैं, कोई भर्ती नहीं है, खाली बयानबाजी। उसके अलावा अब ये है, दूसरा कोई विपक्ष नहीं है, विकल्प किसी के पास ही नहीं है। देश चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सारा फोकस इनका मेन सिटी में है। सिटी के बाहर आप 5 किलोमीटर कहीं बाहर चले, सड़कें टूटी हुई हैं, नाला नहीं बना हुआ है, आदमी को जाने आने का रास्ता नहीं है। सड़क, मेन सिटी की बात सुन लीजिए, जो सही है निकल के देखिए ना, अगल बगल कहीं निकल के। अरे हम जिस जगह, हम मोहतीपुर गोरखपुर में खड़े, माई डियर, मैं गोरखपुर, पिछले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरे साथ में दिखाता हूँ आपको। हाँ, बात पूरा करिए। देखिए, सच्चाई कड़वी होती है, खाली जैसे ये होता नहीं, बम बम बोलने से यहाँ के सांसद कोई काम के नहीं है, कुछ भी काम नहीं करते, कहीं सारा दिन बम्बई रहते हैं, बहुत सारा काम यहाँ। देखिए, बम बम बोलने से नहीं होगा, खाली बम बम बोलने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। क्या हुआ है काम, क्या बताइए, आप बताइए। हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा काम हुआ है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे ये देख रहे हैं। पिछले 6 महीने में गोरखपुर जनपद के लगभग कोई गांव छूटा होगा, मैं घूमा हूँ, दौरा किया हूँ, लगभग आप जाएंगे किसी भी गांव में तो अमृतसर बना है, हाँ बना, पानी टंकी बना, हाँ बन रही है, और पानी है उसमें, पानी है, टंकी बन रही है, पानी है। वहाँ बच्चे तो बता रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, सरोवर में कंचित कहीं ऐसा होगा,
नहीं तो अगर हम इस तौर ज़्यादातर जगह देखेंगे पानी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ट्रैक बने हुए हैं दौड़ने के लिए, पानी की टंकी बन रही है। अब पानी टंकी बन जाएगी तो ना उसमें पानी आएगा? गांव गांव में पाइप का जाल बिछा हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, गांव का जो सचिवालय जा करके देख लीजिए, एकदम आधुनिकीकरण की सीमा को छू गया है। बकायदे बढ़िया से गोल मेज लगा हुआ है मीटिंग करने के लिए। कई जगह तो ऐसे सचिवालय हैं जहां पर नेट वगैरह इतना बढ़िया है जैसे लग रहा साइबर कैफे फेल। जो भाजपा प्रत्याशी रवि किशन है, इनके ऊपर एक महिला ने आरोप भी लगाया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो व्यक्तिगत चीज है, और चुनाव के ही समय क्यों आरोप लगाया? इसके पहले क्यों नहीं आरोप लगाया? विपक्ष के द्वारा वो प्रेरित है, और चुनाव के बाद कोर्ट में आमने सामने हो लें, देखें कितना क्या है। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद मिश्रा। क्या बताना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, जो विकास की बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? आप कहीं उठा देख लीजिए, गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि जिसका जितना विकास बखान किया जाए वो कम है। और जो लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं बना है, तो क्या कहते हैं उसको, तो रोड आप खुद देख लीजिए, कहीं भी सहजनवा विधानसभा देख लीजिए, बिपराज देख लीजिए, ग्रामीण देख लीजिए, गंभीरगंज देख लीजिए, रोड एकदम एक नंबर बना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इन लोगों का काम विपक्ष का काम है, किसी जाने मिली खमन हो जाए, तो जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो इन लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना है। देखिए अभी यहाँ आरोप विपक्ष वाले लगा रहे थे कि रोड नहीं बना है। आप, मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी बताए हैं? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। जब ये बनारस जाते थे आज से 10 साल पहले 11 साल पहले, उस समय बनारस में कितने घंटे लगते थे उसका जवाब देंगे? आज मात्र केवल 3.5 घंटे लगते हैं बनारस जाने में। जी, ये गड्ढा मुक्त पे आरोप लगाते हैं, बता दे गड्ढा मुक्त का है हर जगह सड़क कम्प्लीट है ये बनारस वाले? अरे तो ये बताइए 68, सुनिए विपक्ष वाले की वे बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले 68 सालों में इन लोगों ने कितनी रोडें बना दी, कितने एम्स तैयार हुए, कितने फर्टिलाइजर बनाए इन लोगों के समय, बता रहे विपक्ष में तो कितने फर्टिलाइजर को नीलाम कर दिया गया। आज इतने बड़े रोजगार, आज फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों की देन है, कितने बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या नाम है आपका? दीपक दुबे। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? माहौल एकदम सही है, बम्बम है और 400 पार, ठीक है। अभी जैसे भाई साहब कहे कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, भाई साहब को मैं बता दूं, सरकारी वेबसाइट पे जाएं, अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है, सीआईएसएफ की वैकेंसी आई है, तमाम वैकेंसी, उसको खोल के देखें, युवा जिस लायक है उसको उस लायक नौकरी मिलेगी, जो जिस जैसी निकल रही हो तो निरस्त हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, यूपी पुलिस वाला देखिए, आरओ वाला देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कार्रवाई हुई, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। और आप, कोई युवा बेरोजगार नहीं है, सभी लोगों को नौकरी है, और फिर सरकार पहले कभी पकड़े जाते थे? क्या नाम है? मनोज निषाद। बताइए क्या चल रहा है माहौल? माहौल फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ। काजल निषाद के पक्ष में चल रहा है कि किसके पक्ष में? ये मोदी जी के और योगी जी के पक्ष में चल रहा है, कमल के फूल के पक्ष में चल रहा है। निषाद भी सारे लोग एकदम बम बम के साथ है, एकदम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बालेश्वर पाठक है, मंटू बाबा, और मैं तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र से। बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं सबसे पहले यस सर, जो यस कॉमर्स के जो ऑनर है, आप अपनी बात बताइए। बहुत जी, मैं ये भाजपा गवर्नमेंट पे एक गाना लिखा हूँ। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा जी, भाजपा का। क्या कहना चाहेंगे? दो लाइन बोलिए, दो लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। जल्दी सुनाइए। बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में ये गाना जो है मैंने लिखा है खुद से। वर्ल्ड के लीडर हैं पीएम मोदी जी, ऑल स्टेट में धूम मची है सीएम योगी की, समझ में आया तेरे को फनी अलायंस? वर्ल्ड के लीडर हैं पीएम मोदी जी, ऑल स्टेट में धूम मची है सीएम योगी की, फ्रांस रसिया अमेरिका ब्रिटेन हो या गल्फ, गूंज उठी है मोदी मैजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए बहुत अच्छा आपने गाया, अभी आपको आउट हो अलग से हो जाएगा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी आप बताएं। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल जो है बहुत बढ़िया है, जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 के पहले जो परिदृश्य देश का था, और 14 के बाद ये जनता तय कर चुकी है कि हमको किसके साथ जाना है। क्या जो यूरोप में बैठ के अपनी देश की बुराई करे उसके साथ जाना है, या जो भारत माता को गाली दे उसके साथ जाना है,
जनता ने एकदम तय कर लिया है और विकास दिख रहा है। केवल मोदी मोदी यहाँ लहर है, योगी योगी लहर है और यहाँ की जनता है। प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है, मोदी और योगी के नाते ही वोट पड़ेगा। नहीं, मोदी योगी तो एक प्रधानमंत्री का चेहरा तो मोदी जी है ना, बाकी यहाँ सांसद के जो प्रत्याशी है रवि किशन जी, उन्होंने तो जो काम किया ही है, उनको तो जनता चाह रही है। की वो बाहर के हैं, जौनपुर के हैं, कहीं बाहर के नहीं है, यही बगल के रहने वाले हैं। जो है गोरखपुर में घर बनवा लिया, केवल विरोधी सब एक जुमला फैला रहे हैं कि जो है कोरोना का टीका लगाने से हो जा रहा है, रवि किशन बाहरी है, जो है इससे कोई असर नहीं होने वाला है। जो है रवि किशन जी 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, रोड नाली खड़ंजा उन्होंने बनवाया है जनता के बीच में रहकर जो है, और फिलहाल ये तो चेहरा प्रधानमंत्री का है, तो मोदी जी के जो है उससे आपका कहना है कि चेहरा प्रधानमंत्री का है। और ये बताइए, जो मंगलसूत्र वाली बात चली कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र ले लेगी, ये बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये गलत बात है। अच्छा, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंगलसूत्र नहीं लेगी? कुछ नहीं, कांग्रेस नहीं, मंगलसूत्र लेने की बात नहीं है। मंगलसूत्र दे देंगे। हाँ, गलत बात है ये, मेरी बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, मुझे कांग्रेस। आप बात नहीं समझ पाए थे। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बहुत कुछ कहना चाहेंगे। अपनी बात जैसे आप लोगों ने कहा ये विपक्ष है, मैं कोई पार्टी का सिंबल नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, एक नॉर्मली वोटर हूँ, जितना मेरे वोट का अधिकार उतना मोदी जी के भी वोट का अधिकार है। लेकिन नहीं, पक्ष नहीं, कड़वा सच बर्दाश्त करना चाहिए। यहाँ से तो बर्दाश्त करना ही चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ से 4 किलोमीटर आप लोकली होंगे, चाहे 4 किलोमीटर आगे जाए जंगल में, रात में लूट डकैती हो जा रही है। यहाँ से लेके आगे 4 लेन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, 4 लेन नहीं बन पाया, सिर्फ उतना ही जितना हवाई जहाज से जाने वाने के लिए अंडर पास बना दिए। सच बता रहे हैं ना, सच कहाँ भाई, एयरपोर्ट के बाद आप कुछ नहीं जाएंगे, 4 लेन बना हुआ है। आप अपराध करने से पहले 100 बार पूरी सुन लेने की बात। आज आजम लड़के की युवती के साथ आज दुष्कर्म हुआ था जन्मा थाना क्षेत्र में। देखिए बता रहे, जो तू साहस किया अपराध करने का को बक्सा नहीं किया गया है, विपक्षा नहीं किया गया, और दूसरी चीज उसके घर बुलडोजर चलाने का कार्य किया है, और किसी अपराधी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अब वो दोबारा तू साहस कर सके। इतना प्रदेश से अपराध पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी मानसिकता ही इतनी घृणित हो वो कुछ भी कर सकता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? देखिए एस दुबे नाम हमारा, और जो भाजपा की रणनीति है, जो भाजपा का कार्यकाल है काफी बेहतर रहा है। जो विकास का मुद्दा है, विकास सुरक्षा, ये हमारा मेन मुद्दा है, मतलब कि सरकार का मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार चुनाव लड़ रही है, जनता बाहर ही नहीं निकल रही है इस मुद्दा पे, वोट परसेंटेज पश्चिम में काफी कम पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट परसेंटेज कम करने का वजह ये नहीं रहा है, भीषण कम होने का मतलब गर्मी, जो वातावरण है इस समय देखिए कितनी प्रचंड गर्मी है, जो गर्मी साल जून में होनी चाहिए थी वो गर्मी अभी दिखाई पड़ रही है, तो ये वोट परसेंटेज कम होना। 2014-19 में भी मई में ही चुनाव हुआ था, 19 में हम लोग भी चुनाव में थे, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी, बढ़ा था इधर घटा, ये केवल मौसम के नाते ही है। जो है ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार से मोह भंग हो गया है जनता का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, कहीं नहीं है। जो जनता जनता एकदम जो है मोदी मोदी कर रही है, सरकार से कहीं को योगी योगी कर रही है, कहीं कोई भंग नहीं हुआ है। देखिए बोलबम तो बोलेगा ही भाई, मैं भी ब्राह्मण आदमी, हेमंत उपाध्याय ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मंत्र जानता हूँ, सिर्फ बोलबम सड़क पर बोलने से नहीं होगा। सही बात बोलते हैं, सही बात बोलना पड़ेगा। 10,000 के लिए एक आम किसान आत्महत्या कर ले रहा है, 10,000 बैंक से अगर लोन लिया है तो 2 लाख रुपया उसका ब्याज हो गया है। ब्यौरा दिखाइए, ब्यौरा चलिए दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं ब्यौरा। वादा किया था योगी जी ने, वादा किया कि हमारी सरकार जब आएगी 17 में, उन्होंने पहले आत्महत्या किसानों को कर्जा माफ किया था। कांग्रेस के समय 1700 किसान आत्महत्या किए थे, तो उस समय इनकी आवाज नहीं निकली। मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा है, उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, आर्थिक लाखों लाख, थोड़ा नहीं, लाखों लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो जा रहा है, लाखों लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो जा रहा है। मैं बताता हूँ चलिए, अभी पूर्वांचल बैंक यही का नहीं, पूरे प्रदेश के पूर्वांचल बैंक में चलिए, जहाँ किसान मैक्सिमम वहाँ से लोन लेते हैं, चलिए दिखाते कितने लोगों का कितना हुआ है, चल के बताइए। ये खाली हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, नहीं नहीं, ब्याज तो बढ़ेगा ही। अरे भाई, तो माफ क्यों नहीं कर रहे हैं, माफ क्यों नहीं कर रहे हैं, साल में आपको 4% ब्याज मिल रहा है भाई,
किसान लेता है, किसान का हम कोई ऐसा नहीं कि जो योजना बना रहे पंजाब के किसान ऐसा कुछ उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। रियल ये है कि अगर आदमी केसीसी लिया हुआ है 50,000 का है, 5 लाख हो गया है, नाच रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं रोज जाके वहाँ। अरे भाई बात हो जाए, मतलब ऋण लेने का मतलब कर्जा माफी होती है क्या? कर्जा माफी अरे भाई तो उद्योगपतियों का भी उद्योगपतियों का भी ये बात नहीं कर रहे कि बिचौलियों को हटाया गया, लाखों तलाक थे उनको हटाने का कार्य सरकार ने किया है, उसका पास वाला काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों का कहना है कि गोरखपुर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जबकि एक आम आदमी भी यहाँ पर थे, वो बताए कि चारों ओर शहर के चारों ओर सड़कें खराब हैं, किसानों की दशा खराब है, बेरोजगारी की स्थिति चरम पर है, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये जनता जानती है, और जब 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।